नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। आज हम मात्र समाचार ही नहीं देंगे बल्कि इसका विश्लेषण भी करेंगे। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन तेजी से फैल रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इस हालात को देखकर जन जन का सवाल है, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से अर्थव्यवस्था चरमराएगी? क्या फिर से अपने गाँव पहुँचने के लिए मीलों तक हजारों लोगों की दौड़ लगेगी? नहीं, ये स्थिति भी सोचकर काफी खौफनाक लग रहा है। तो क्या होगा, इसे रहने देते हैं, पर क्या हो रहा है इस पर चर्चा करते हैं। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, पर चुनावी रैलियों पर क्या राय दिया जाए? 2020 में कोरोना ने एक व्यापक प्रदर्शन को तुरंत रोक दिया था, वही 2021 के कोरोना के नए स्ट्रेन किसान आंदोलन की आग पर छींटे मार रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं। जैसे बिहार में स्कूल कॉलेजों को 18 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान हुआ है, वहीं हरियाणा में 30 अप्रैल तक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को बंद किया जाएगा। वहीं दिल्ली में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसी बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बयान जारी करके बताया कि रेलवे सेवाओं को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रोफेशनल एक्टर अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रख सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर देर रात तक अपने मैच भी खेल सकते हैं, प्रोफेशनल राजनेता भारी भीड़ भाड़ के साथ चुनावी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस और आपका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब तक ये समझ नहीं आया कि आवश्यकता का मतलब क्या है। हर व्यक्ति के लिए उसका काम आवश्यक होता है। अनमोल अंबानी की ये बातें बिल्कुल सही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल और असम सहित कई राज्यों में चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं दिल्ली और मुंबई में समय की पाबंदियों से आम आदमी के काम पर काफी असर पड़ रहा है। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए टीकाकरण को तीव्र करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आह्वान किया है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि देश में वैक्सीन की कमी हो गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन लोगों का क्या जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका है? कोरोना तो उन्हें भी नहीं छोड़ रहा। सवाल चाहे आम जनता की हो या डॉक्टर की, वैक्सीन लगने के बाद भी वे कोरोना के आगोश में जकड़े जा रहे हैं। अब तो देश में वैक्सीन की कमी होने लगी है। अगर वैक्सीन का डोज विदेशों में निर्यात कम कर दिया जाए तो क्या कोरोना पर नियंत्रण लगाया जा सकता है? लोगों में पिछले वर्ष का खौफ इस तरह बसा हुआ है कि अभी से ही प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए रवाना होने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार क्या करती है। क्या फिर से लॉकडाउन लगाएगी या कोरोना के नियंत्रण के लिए नए रास्ते तलाशे जाएंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में कोरोना के नए अपडेट के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, घरों से कम निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।